एक्टर संजय दत्त इन दिनों फेफड़ों के कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। एक्टर के जल्द ठीक होने के लिए उनके फैंस और बॉलीवुड स्टार्स उनके लिए आए दिन दुआ मांग रहे हैं। इन दिनों एक्टर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि संजय दत्त जल्द ही अमेरिका में अपना इलाज करवाने जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बीमारी का पता चलते ही उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट में नाम आने की वजह से उन्हें वीजा मिलना आसान नहीं था, लेकिन एक करीबी दोस्त की मदद से उन्हें 5 साल का वीजा मिल गया है। संजय दत्त अमेरिका में इलाज के दौरान पत्नी मान्यता और बहन प्रिया संग न्यूयॉर्क जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त की मां और दिवंगत एक्ट्रेस नरगिस का कैंसर का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ था। मालूम हो कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर था, वहीं उनकी वाइफ ऋचा शर्मा भी ब्रेन कैंसर से पीड़ित थीं। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला, युवराज सिंह और सोनाली बेंद्रे जैसे सितारों ने न्यूयॉर्क के स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में इलाज करवाया और कैंसर मुक्त हुए। माना जा रहा है कि अमेरिका की न्यूयॉर्क में कैंसर का सबसे बेस्ट अस्पताल है मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर। अब बताया जा रहा है कि संजय दत्त के कैंसर का इलाज भी यहीं हो सकता है। इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना पड़ेगा। इन दिनों पूरा दत्त परिवार संजू बाबा के साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि उनका कैंसर स्टेज 4 का है। 8 अगस्त को संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। 2 दिन वो वहाँ एडमिट रहे थे। संजय दत्त को सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने उनका कंप्लीट बॉडी चेकअप किया तो लंग यानी फेफड़ों के कैंसर का पता चला था, जिसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा था, हाय फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ब्रेक ले रहा हूं। मेरे परिवार के लोग साथ हैं और मैं अपने फैंस से कहना चाहूंगा कि वो परेशान ना हो, ज्यादा अटकलें ना लगाएं। आपके प्यार और दुआओं की वजह से मैं जल्द लौटूंगा। बीते दिनों संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने संजू बाबा के इलाज को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था। इस स्टेटमेंट में मान्यता ने लोगों से गुजारिश की है कि वो बीमारी का स्टेज गेस ना करें। साथ ही मान्यता ने ये भी कहा कि वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी। मान्यता ने ये भी बताया कि शुरुआती इलाज जरूर मुंबई में होगा, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर विदेश भी इलाज के लिए जाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।